To all the viewers of Pulse 24x7, to proud announcing a female KAS clear in Gulbarga. It is not a joke to clear a KAS exam. Being a housewife, she is doing all the things like she is handling the children's family and she is doing the job as a employee in the school. She will tell briefly about this journey from a housewife to a employee to a KAS clearance, now an assistant registrar. She will be posted to some place to encourage other females. आप एक प्रेरणा हैं हमारे गुलबर्गा की जो औरतें हैं जो जॉब कर रही हैं और सोच रही हैं कि करें कुछ करें सोसाइटी के लिए फैमिली संभालते हुए आपने इसको कैसे ये गोल को हासिल किया और एक प्रेरणा स्रोत बन गई गुलबर्गा के लेडीज़ के लिए तो आप बताइए कि ये जर्नी आपकी कैसी रही जी ये एक बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी थी क्योंकि केएस वाले तो आप जैसा आप फर्स्ट स्टार्ट करें ना ये नॉट ए जोक ये करेक्ट है इसके वास्ते एक बहुत डिटर्मिनेशन रहना चाहिए और एक कमिटमेंट रहना ज़रूरी है जब तक हम कमिट नहीं होते हम ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं रहना चाहिए इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ विथ हार्ड वर्क देन यू शुड कॉम्प्रोमाइज़ विथ फेल्यूअर क्योंकि जैसा हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फेल्यूअर हमारे को मिलता ही इसलिए हम हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन डेडिकेशन ये सब के साथ हम फर्म रहे तो ही हम एक सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं अगर जो यंग फीमेल्स है जो ये करना चाहते हैं उनका फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक क्या रहेगा फर्स्ट उनको शुरू कैसे करना है प्रिपरेशन कैसे शुरू करना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है जी केएस डिग्री एनी डिग्री पर आता है यू मे बी बीए और बीएससी और बीकॉम और इंजीनियर और मेडिकल यू हैव टू सेलेक्ट यूअर मेन सब्जेक्ट इन विच यू आर परफेक्ट तो स्टार्ट करना चाहिए सिक्स स्टैंडर्ड के सोशल बुक्स देन साइंस बुक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब कंप्लीट सब कवर होता है और सोशल बुक्स में हिस्ट्री पॉलिटी देन ज्योग्राफी इकोनॉमी एवरीथिंग वी कैन कवर इन दैट लेके एक बार पढ़ के उसको फिर शॉर्ट नोट्स करी मैं शॉर्ट नोट्स होने के बाद टू मंथ्स बिफोर शॉर्ट नोट्स देन अगेन आफ्टर वन मंथ्स अगेन शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे कंसाइज करते लास्ट में मेरे को रिवाइज करने बहुत हेल्प हुआ इस टाइम में क्लियर करने का एक ही मेरा एक सक्सेस का मंत्रा बोल सकते शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन थरो रिविजन सिर्फ सब फ्लो चार्ट्स करना लास्ट में शॉर्ट नोट्स के फ्लो चार्ट करना वो फ्लो चार्ट का एक फर्स्ट वर्ड देखते ही हमारे को पूरा हिस्ट्री याद आना पीछे का उस तरह हम करें तो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी कैन कवर होल सिलेबस बिकॉज आई एम ए वर्किंग वुमेन देन आई डोंट हैव मच टाइम टू कवर होल सिलेबस एक समुंदर के जैसा रहता सिलेबस उसमें हम फुल ए टू जेड कवर करना नहीं होता कुछ तो कुछ छूटता ही क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज़ रहते नेशनल इश्यूज़ रहते स्टेट इश्यूज़ रहते कहीं से भी कौन से भी क्वेश्चंस आते तो हर एक चीज़ को हम टच करना ज़रूरी नहीं है उसको याद करना ज़रूरी है तो इसलिए हम रिवाइज करना है सिलेबस को ये एज लिमिट क्या एज लिमिट के अलावा उसमें रिजर्वेशंस भी होते हैं क्या के एज में हाँ रिजर्वेशंस रहते जैसे टू बी रहते कैटेगरी वन रहते एससी एसटी रहते और दूसरे टू ए उसमें थोड़े मुस्लिम्स के भी कम्युनिटीज़ आते टू बी रहता मेरा तो प्योरली जनरल मेरिट था मेरा क्योंकि हम दोनों भी वर्किंग है ना अब वो क्रीमी लेयर थे हम तो मेरा जनरल मेरिट में ही मेरा जो क्लियर हुआ मेरा जो पोस्ट हुआ जनरल मेरिट में ही हो गया एक फीमेल टू मेक ए पर्सनालिटी टू इम्पोर्टेंट पीपल आर हियर विद अस ए फादर एंड ए हस्बैंड सो द क्रेडिट सेम क्रेडिट गोज़ टू द फादर एंड द हस्बैंड हम पूछना चाहते हैं आपके वालिद और आपके जो है हस्बैंड के सपोर्ट के बिना ये सब नामुमकिन के बराबर है और वालिद साहब से हम डायरेक्टली पूछना चाहते हैं कि आपके घर में पूरा एक एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट है कोई जो है ना केएस है कोई डॉक्टर है तो मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे जो मुस्लिम फैमिलीज़ है उनके लिए आप बताइए ये तरीका बताइए आपने जो अपने एक नॉर्मल फॉलो किया आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए मैंने बच्चों के एजुकेशन के लिए ध्यान देना चाहिए अच्छा पढ़ाना पढ़ने के बाद बच्चे वो होशियार ही थे अच्छा कवर कर लिए और अच्छे डिग्री भी हासिल किए उनकी मेहनत से हम भी उनको सपोर्ट करते गए कैसा लगता है जब लोग आके मिलते हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट मुस्लिम एसोसिएशन एम्प्लॉयज़ जो भी हैं यहाँ पे वो लोग आपकी बेटी को सराहने के लिए यहाँ पे हैं तो आप कैसा फील करते हैं आप बहुत खुशी हो रही है बच्चों का ये प्रोग्रेस देख के
और आप वो सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एज ए हस्बैंड आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि थॉट्स भी कंजर्वेटिव है, गोल्स भी बहुत छोटे रहते हैं, तो ये बड़ा गोल अचीव करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल है। तो वेरी प्राउड फील हो रहा सर एक्चुअली। जब इनको पढ़ने के लिए मैं बोला तो ये स्टार्ट करें, और उसके बाद एक्चुअली उनका बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन हमारा सपोर्ट तो है उनके लिए, लेकिन सपोर्ट के बावजूद ये एग्ज़ाम जो है बहुत हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें वो डेडिकेशन और वो जॉब करते हुए पढ़ना और उसमें टाइम मैनेज करना, बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना और फैमिली के साथ और जॉब के साथ, फिर और एक जॉब के लिए केएस जैसे बड़े एक बड़े एम के लिए डेडिकेशन करना बहुत बड़ी बात है, और वो पूरा क्रेडिट उनको जाता, सिर्फ हम तो सिर्फ सपोर्ट किए सर। जी। नहीं, अक्सर यहाँ पे गुलबर्गा में एक ट्रेंड है कि हस्बैंड जब घर पे आता है उसका खाने का इंतज़ाम, उसका सब पहनने का इंतज़ाम, बच्चों का, तो आप लोग कोऑपरेट किए इसलिए ये लेवल तक पहुँच गए। ये हमारे साथ उनकी एक बेटी है छोटी सी, इधर आओ बेटे, आपका नाम बताइए। मालूम है मम्मी क्या करे किस लिए आए हम लोग, मालूम है कुछ बोलिए। मम्मी रात में 3 बजे सोते थे जी, और 6 o'clock जल्दी उठते थे। गुड, वेरी गुड। और मेरे को होमवर्क कराते थे। आप बड़े होके क्या बनेंगे आप?